ओम श्री गणेशाय नमः। हमारे प्रिय दर्शकों को वेद पंडित का नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल चमकती किस्मत पर स्वागत है। दोस्तों, हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारियां और उपाय बताते हैं, जिससे कि आप सब लोगों को लाभ होता है। हमारे उपाय आप सबको सबकी बंद किस्मत के दरवाजे खोलने का काम करते हैं, और आपके जो भी कार्य पूरी मेहनत करने के बाद भी पूरे नहीं हो रहे थे, वो कार्य आपके पूरे होने लगते हैं और आपको कार्यों में सफलता मिलने लगती है। हमारा यही उद्देश्य है कि आप सब हमेशा स्वस्थ रहें और परिवार के साथ खुश रहें। हम माँ गड़िया देवी से आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक जड़ के बारे में बताने जा रहे हैं। इस जड़ के उपयोग से आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप सब धतूरे के पेड़ को तो जानते ही होंगे। दोस्तों, इसमें एक धतूरे का पेड़ ऐसा होता है जिस पर काले फूल आते हैं। दोस्तों, आपको काले धतूरे के पेड़ को खोजना है, और अगर ये आपको मिल जाता है तो ये समझो कि आपकी किस्मत चमक गई है। दोस्तों, आप काले धतूरे के पेड़ को शुक्रवार के दिन जाकर आमंत्रित कर आए और कहें कि कल शनिवार के दिन मैं आपको लेने आऊँगा। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें और वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी जानकारी से लाभ मिल सके और पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखें। फिर धतूरे की जड़ को आप शनिवार को ले आए और इसे गंगा जल में धो लें और सिंदूर का तिलक लगाकर हनुमान जी के चरणों में रख दें और धूप दीप जलाकर दिखाएं और ओम श्री हनुमते नमः मंत्र की एक माला जप करें, और फिर धतूरे की जड़ को तांबे की ताबीज में भर दें और बची हुई जड़ को मुख्य दरवाजे के बीच की चौखट पर काले धागे बांधकर अंदर की तरफ से लटका दें, और तांबे की ताबीज में काला धागा बांधकर अपने गले में पहन लें। दोस्तों, ये कार्य आपको गुप्त रूप से करना है। इस प्रकार से अगर आप हमारे बताए विधि अनुसार पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय करते हैं, तो आप पर शनिदेव जी की असीम कृपा हो जाएगी और शनिदेव आपको बहुत शुभ फल प्रदान करेंगे। और जिस पर शनिदेव की कृपा हो जाती है, तो वह व्यक्ति बहुत ही धनवान हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी कोई कष्ट नहीं होता है और इसको हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। दोस्तों, शनिदेव कर्म के फलदाता है, इसलिए आप पर लगाकर कोई लगन और मेहनत से अपने कार्य के लिए शनिदेव आपको जमीन से उठाकर आसमान में बैठाने की क्षमता रखते हैं। परंतु आप मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो आपको इसका विपरीत फल प्राप्त होगा और आप बहुत कष्ट में सो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, इन बातों का अवश्य ध्यान रखें और जीवन में खुश रहें। ऐसी और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप हमारा चैनल चमकती किस्मत देखते रहिए। जय माता की। धन्यवाद।